आपका वेलकम है अपने यूट्यूब फैमिली यात्रा गाइड योगेश शर्मा में। तो आज निकले हैं थोड़ा घूमने, सूरत को एक्सप्लोर करने। तो सूरत जा रहे हैं, साथ में फैमिली है और फ्रेंड है, तो चलते हैं सूरत। आज दिखाते हैं आपको सूरत के बेस्ट प्लेसेस। भाई आज का पहला डेस्टिनेशन जो है वो है सूरत फोर्ट, और सूरत फोर्ट को ढूंढते ढूंढते हम आ गए हैं तापी नदी पर। तो अभी तापी नदी को कर रहे हैं क्रॉस, और पानी तो तापी नदी में जैसा काकरापार में दिखता है वैसा नहीं है यहाँ पे। तो उस नदी को कर लेते हैं क्रॉस, फिर आते हैं सूरत फोर्ट के बाहर, मिलते हैं आपसे। भाई अभी आ गए हैं अपना सूरत फोर्ट, और मेरे पीछे है सूरत फोर्ट। काफ़ी देर ढूंढा यहीं पर आसपास घूमते घूमते, गूगल ने जो बताया था उस रास्ते पर आ गए हैं। जस्ट रिवर के पास में ही है, अथवा गेट वाला रोड जो है वो यहाँ से राइट जा रहा है। तो अभी सूरत फोर्ट के नज़ारों को एंजॉय कीजिए, चलते हैं अंदर। गाड़ी इधर कर दी है पार्किंग में, और काफ़ी बढ़िया पार्किंग है, मेंटेन किया हुआ, चलते हैं अंदर। तो अभी जस्ट एंटर हुआ और यहाँ से लिया है टिकट, और यहाँ पे कैमरे का एक्चुअली थोड़ा लंबा प्रोसेस है। एक एप्लीकेशन लिख के दिया हमने, तो एप्लीकेशन में लिख के देना है कि हम यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाएंगे ऐसा करके। तो एप्लीकेशन दिया है, उसका टिकट लिया है, कैमरे का चार्जेस अलग है 100 रुपीज़, और पर पर्सन जो टिकट का चार्जेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए। तो फिलहाल बढ़ते हैं अंदर फोर्ट में। ये है यहाँ की टिकट सेट और सारी डिटेल, स्क्रीन शॉट लेकर सेव कीजिए। ये है एंट्रेंस, अभी फोर्ट के अंदर हम आ गए हैं, और ये था यहाँ से एंट्रेंस, यहाँ से सीधा अंदर। तो ये है व्यू सूरत फोर्ट के बाहर का। आज हम आए हैं सूरत फोर्ट, गुजरात का पहला किला है मेरी विजिट का। यहाँ पे मैं मतलब गुजरात के अंदर किला देखने का मौका मिला, तो सोचा सूरत का फोर्ट विजिट किया जाए। तो आप ही के लिए आए हैं वीडियो बनाने, तो एंजॉय कीजिए सूरत के फोर्ट को, चलते हैं अंदर यहाँ से। तो ये जो गहराई जैसा नाले जैसा नदी जैसा दिख रहा है, ये तापी नदी से सीधा कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से जब राजा के जो महल थे उस पर हमला होता था, तो इसमें पूरे में पानी भर दिया जाता था, और ये जो ब्रिज है इस ब्रिज को उठा लिया जाता था। देख सकते हैं आप, इस ब्रिज को उठाने के लिए सस्पेंशन इसमें लगाया हुआ है, तो इस ब्रिज को उठा लिया जाता था। उसके बाद में जो आक्रमण करने वाली सेना होती थी वो आक्रमण नहीं कर पाती थी, अंदर आ नहीं पाती थी, पूरे में पानी भर जाता था। तो ये एक बचाव का साधन था। यहाँ पे जो राजा लोग 1500 के ज़माने में अपनाया करते थे, तो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं सूरत किले के अंदर, यहाँ से मुख्य द्वार सामने दिख रहा है, तो मुख्य द्वार से एंट्री करते हैं, चलते हैं हम अंदर। वीडियो में बने रहे दोस्तों, वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाला है, काफ़ी शानदार वीडियो होने वाला है। और जिसको हिस्ट्री से प्यार है वो तो खासकर इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलते हैं अंदर। तो फिलहाल हम हैं सूरत फोर्ट के बाहर, और ये है अंदर का रास्ता। यह एक शानदार एंट्री, और यहाँ से अंदर आने के बाद में जो है नज़ारा वो वाकई में काबिले तारीफ, शानदार व्यू एकदम, देख सकते हैं आप। ये है यहाँ का व्यू। तो वैसे ही यहाँ पे एक
छोटा सा थिएटर है यहाँ पे, इस किले की जानकारी देंगे, तो चलते हैं अंदर ऑडिटोरियम में, यहाँ से लेते हैं जानकारी। तो ये है किले का पूरा मैप, यहाँ से किले की जानकारी। तो 15 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद में यहाँ की एटलीस्ट सारी जानकारी हमको मिल गई, और वीडियो का शूट लेने की परमिशन थी नहीं, तो इसके बाद में हम जो भी वीडियो में बताया वो किले में आप लोगों को बताते हैं। तो बढ़ते हैं किले में, आगे बाहर निकलते ही एक रेफ्रिजरेंट है, कूलर है, प्राकृतिक कूलर, उसका करते हैं दर्शन। ये है यहाँ का कूलर, तो ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये है पानी का टंकी। यहाँ पे पुराने समय में पानी स्टोर किया जाता था, जो पीने का पानी होता था, क्योंकि उस टाइम ज़माने में पंपिंग सिस्टम वगैरह थे नहीं, तो यहाँ पे वर्षा का जल एकत्र करके उसको पूरे साल पीने में काम में लिया जाता था। तो ये है व्यू यहाँ के सूरत का, फोर्ट का, तो इन्जॉय कीजिए इस नज़ारे को, फिर बढ़ेंगे आगे। तो ये है सूरत का नक्शा, यहाँ से सूरत का जो 1730 ईस्वी में जो रहा होगा वो सूरत का पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं। और ये फोर्ट का ओरिजिनल पिक 1770 का, और ये 1830 का। तो ये महाराजा की गद्दी, नवाब अफलाजुद्दीन, अफला क्या है, अफजालुद्दीन, नाम काफ़ी हार्ड है पढ़ने में। तो अभी जो व्यू आया है फाइनली, ये है सूरत का उस समय का नज़ारा, उस समय का नहीं है था, आज के समय का लग रहा है। ये रहा फोर्ट, और ये सूरत का पूरा डेवलपमेंट।
सीधा उधर निकल जाएंगे आप, फिर वहाँ से रिटर्न आना ऊपर ऊपर रिटर्न। ठीक है ठीक, तो फिलहाल अभी जाना है वहाँ पे, तो चलते हैं। पहले अंदर जा सकती हूँ, वहाँ पे क्या रहेगा देखते हैं। तो अभी इस डोर के अंदर जाएंगे, यहाँ से क्या है देखते हैं। यहाँ पे है प्योर मार्बल का बना हुआ है, बहुत ही शानदार। तो देखते हैं ये अपने को देंगे क्या, बहुत ही ये उस जमाने के रहे होंगे, मार्बल का पूरा एकदम पीस टू पीस कट करके बनाया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो ये है राजा महाराजाओं के युद्ध के अंग वस्त्र जो होते थे, जो उनकी सेफ्टी के लिए पहना करते थे, पूरा मेटल का है जामा। ये उनके हथियार, बंदूक। तो उस टाइम के जो बंदूकें थी उनको आप देख सकते हैं, गन्स 19वीं शताब्दी की हैं ये। हाँ वो तो फायर करने के लिए, ठीक है। ठीक है ठीक, तो थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इनको सबको। नहीं वैसे तो मैं राजस्थान से, उधर पुराने देखने को मिलते हैं, वहाँ पे है काफ़ी सारे पुराने, उदयपुर वगैरह जाते हैं तो सिटी पैलेस वगैरह में है। हाँ 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 ओके ओके जी। और कंस्ट्रक्शन भी ऐसा ही किया है। आ जाओ सुनो, तो फिलहाल हम आ गए हैं पूरा जो मुद्रा है उस टाइम की जो करेंसी होती थी उस वाली गैलरी में। तो यहाँ देख सकते हैं आप इंडियन गैलरी, इंडियन करेंसी, और ये है उस टाइम के नोट्स, $1 ऑस्ट्रेलिया का, ये भूटान का, ये सारे करेंसी हैं, इन सबको देखिए आप। जापानीज करेंसी, ये उस टाइम के नोट रहे हैं, 2 रुपये का नोट, ये तो हमने भी देखे हैं, 10 रुपये का नोट, 5 रुपीस, तो ये अपन ने देखे होंगे, आप भी सभी लोगों ने शायद देखे होंगे। तो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तब के कॉइन्स। ये है ग्वालियर के सिक्के, जो ग्वालियर के जो राजा थे उन्होंने जो चालू किए थे वो सिक्के।
होलकर जो इंदौर के राजशाही परिवार थे वहाँ के सिक्के। उदयपुर के सिक्के प्रदीप, यहाँ पे हमको उदयपुर के सिक्के मिल गए। ये जो मेवाड़ के राजा थे उनके चलाए हुए सिक्के, तो यहाँ पे कुछ हैं, बाकी उदयपुर में रखे हैं, उदयपुर में दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में। ये मुगल काल के, क्षत्रप, पंच मार्क्ड कॉइन, जानपाड़ा। तो अभी हम आ गए हैं रिकंस्ट्रक्शन की जो यादें थी उस गैलरी में, तो जहाँ पहले का जो किला था वो था ऐसा कुछ। सूरत महानगर पालिका द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया है, तो ये उस ताज़ा तस्वीर है, आप देख सकते हैं। तो जो पहले का नज़ारा था वो था कुछ ऐसा, और फाइनली अभी का जो व्यू है बाहर आपने वीडियो में देखा वो है ये। ये है 20वीं सदी के सिक्के जो हमने भी शायद देखे होंगे। ये एक पैसा देखा है हमने, दो पैसा, तीन पैसा, पाँच पैसा, दस पैसा, बीस पैसा, पच्चीस पैसा, पचास पैसा, पचास। ये देखा है आपने कभी, ये देखा है सिक्का? नहीं देखा। 50 रुपये 1972 में चले थे, तो ये है 1972 में चलने वाले 50 रुपये का सिक्का। ये 10 रुपये का सिक्का 1972 में चला था, फिर बंद हो गया था और अभी वापस चालू हुआ है, तो देख लीजिए। तो फिलहाल हम आ गए हैं पॉट्स गैलरी में, तो यहाँ पे जो उस समय के यूज़ होते थे घड़े वगैरह वो है, देख सकते हैं आप। तो अभी हम आ गए हैं मसाला गैलरी। यहाँ पे एक्चुअली इंडिया से जो मसालों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता था वो यहाँ से होता था। तो ये है मसाले और ये है उनके कंटेनर। तो ये कंटेनर्स दिख रहे हैं, इसमें भर के मसालों को भेजा जाता था। तो फिलहाल आ गए हैं डच लाइफ स्टाइल जो हुआ करते थे उसके उस गैलरी में, यहाँ से जाते हैं अंदर। यस, तो फिलहाल हम आ गए हैं डच लाइफ स्टाइल जो हुआ करती थी, वो जो जीवन शैली थी उसका यहाँ पे डाइनिंग रूम टाइप का बनाया हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप। ये अंगूर असली है क्या, खा सकते हैं क्या? तो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी शानदार उस टाइम का रहन सहन हुआ करता था, तो उसका एक नमूना यहाँ पे आपके सामने। तो फिलहाल हम आ गए हैं जो कोर्ट हुआ करती थी उस जमाने की, तो फिलहाल हम आ गए हैं वापस जो चौगान था उसमें, और ये है यहाँ से एक व्यू।
तो फिलहाल जो है हम हैं डॉक्यूमेंटेशन वाली गैलरी में। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं जो उस ज़माने के हुआ करते थे। देख सकते हैं आप व्यू, वो लिखावट जो है वो पढ़ने में। ये है उस टाइम की स्याही जो लिखने के लिए यूज हुआ करती थी। तो आ गए हैं फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन वाली गैलरी से बाहर, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इधर तो बंद किया हुआ जाने के लिए, यहाँ से वापस बैक टू मेन पोर्शन जो है किले का, वो यहाँ से देख सकते हैं आप। तो फिलहाल हम आ गए हैं तापी नदी के एक शानदार व्यू के पास में। यहाँ से पूरा तापी नदी का व्यू आप देख सकते हैं। हेरिटेज वॉक करके लिखा है यहाँ से, मतलब आप उस साइड जा सकते हैं हाड़ाजन साइड में। तो ये है व्यू, सोचा आपको दिखा देते हैं। अभी पानी तो तापी नदी में ज़्यादा है नहीं, देखते हैं यहाँ से फिर बढ़ते हैं वापस अंदर किले की तरफ। तो यहाँ से अभी फिलहाल आ गए हैं ऊपर, तो देखते हैं अंदर क्या होने वाला है। यहाँ से अंदर चलो, खोलो गेट, खोलो। वाह, तो फिलहाल हम आ गए हैं हैंडीक्राफ्ट सेक्शन, तो एंजॉय कीजिए इस हैंडीक्राफ्ट व्यू को। ये हैं सारे हैंडीक्राफ्ट्स जो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सूरत का ऑलरेडी जो फेमस है वो अपने कपड़े कारोबार के लिए फेमस है, तो ये देख सकते हैं यहाँ के शानदार हैंडीक्राफ्ट्स गैलरी है ये, तो आप देख रहे हैं। तो ये है, क्या लिखा है, ये बोल्स डेकोरेशन। तो ये जो बेल हुआ करते थे उनका डेकोरेशन है ऐसा, काफ़ी शानदार। ये उस टाइम का काठियावाड़ी ड्रेस जो केडियो जिसको बोलते हैं, वो है गुजरात की फेमस ड्रेस हुआ करती थी उस समय की। तो ये सब ड्रेसेस हैं। तो वहाँ से निकल के फिलहाल हम आ गए हैं ज्वेलरी सेक्शन में। तो ये है ज्वेलरी सेक्शन यहाँ का, और ये है कड़े, क्या बोलते हैं इसको, नेकलेस, इयररिंग, चूड़ी, कमरबंद अने तोड़ा। ये राजा का कॉइन्स लग रहे हैं हमें, वहाँ पे जो जब वहाँ के इन के ना, ओके, उनसे बनाई है ज्वेलरी। जरी अने तेना साधनों, तो जरी, जरी की माला जो बनती थी वो ये जरी का धागा। ये ड्रेसेस बच्चों के, पारसी ड्रेस है, ये पारसी बच्चों के कपड़े हैं ये, तो उस टाइम पे जो हुआ करते थे 20वीं सदी में जो पारसी लोग आए थे भारत में, उनका रहन सहन ये देख सकते हैं आप। इसमें गोल्ड का काम है ऐसा, ओके। तो ये 18वीं सदी का है, इसमें गोल्ड एंड सिल्वर का वर्क हुआ है, काफ़ी ग्रेट। ये पारसी कैप, पारसी
उसमें सोने का काम है पूरा, गोल्ड है। अच्छा, गोल्ड गोल्ड एम्ब्रॉयडरी समुद्र में होता है ना, पंडित जी ये बांस बनाने वाला, ये कुम्हार, ये छतरी बनाने वाला, ये लकड़ी का काम करने वाला, ये म्यूजिशियन, ये भी लकड़हारा, जूते वाला, मच्छी, ये सारे यहाँ पे दर्शाए गए हैं, बढ़िया एकदम शानदार बनाए हुए। तो ये उस टाइम के कांच के बर्तन, सुराही बोटल्स वगैरह, ग्लासेस, यह है 19वीं सेंचुरी के भगवान के सारे मूर्तियाँ जिनकी पूजा की जाती थी, ब्रह्मा जी, गणेश जी हैं, तो काफ़ी शानदार। ये बुद्ध है ना पीछे पीछे लास्ट में, कृष्ण कन्हैया, ये छोटे गाना फिर धीरे 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 सबसे बड़े गाना। तो ये राजा राजाओं राजा महाराजाओं के जो चेस खेलने का होता था वो है, यहाँ पे चेस खेला करते थे। तो फिलहाल हम हैं वुडन गैलरी में, तो ये है सारे लकड़ी से किए हुए कार्य और लकड़ी की पूरी नक्काशियाँ, बहुत ही शानदार व्यू है, देख सकते हैं आप, डाइनिंग टेबल एंड चेयर सेट और ये पूरा व्यू। चप्पल कॉक्स ये है, ये है यहाँ का व्यू, सेंटर का व्यू। ये क्या है, ये क्या है? पहले ताले फेमस है अलीगढ़ के और दूसरे यहाँ के। ये है सन 1800 ईस्वी के ताले, देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत ही खतरनाक ताले हैं। ये है अमृत कलश, डीएम से चलने वाला अमृत कलश, इसमें अमृत भरा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे पूरा हिस्ट्री आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, और दिवाले तो हुए। तो फिलहाल मूर्ति सेक्शन, विष्णु भगवान शेषनाग पे सोते हुए, ये नटराज, ये जलाराम, जलाराम बापा जिनके हम वो खाते हैं, ये अप्सरा है, इतनी मोटी ईट भी है, देखो तो ये है यहाँ की कारीगरी, जो सन 1500 में जो बना था वो है यहाँ का ये बॉर्डर, और उसके बाद में तुगलक द्वारा निर्माण कराया गया, सीमा को बढ़ाया गया, तो वो है पीछे की सीमा। तो ये दोनों व्यू यहाँ पे आपके सामने। तो भाई फिलहाल हम आ गए हैं बाहर,
और भाई इतनी देर विजिट करने के बाद में सूरत फोर्ट वाकई में काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा और काफ़ी शानदार मज़ा आया है। हिस्ट्री से जस्ट हिस्ट्री के जस्ट पास में आके हमें सब कुछ विजिट करने का मौका मिला है और ये पुरानी हिस्ट्री और आज के आधुनिक दोनों का एक कॉम्बिनेशन था, क्योंकि जो पुराना किला था वो काफ़ी जर्जर अवस्था में था, काफ़ी डैमेज हो गया था, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और SMC ने मिलके रिपेयर करवा के आज आपके सामने ये किला बन के तैयार हुआ है। तो प्लीज़ यहाँ पे आएँ, विज़िट करें और हिस्ट्री से जिसको ओरिजिनल में प्यार है वो आके यहाँ पे अपना टाइम एक अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकता है और काफ़ी उसको जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो फिलहाल हम चलते हैं बाहर, और यहाँ की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, कीप सपोर्ट। तो निकलते हैं फिलहाल यहाँ से बाहर। तो ये है यहाँ के शानदार व्यू, ये है सूरत फोर्ट पूरा काफ़ी शानदार। तो चलते हैं अभी यहाँ से बाहर। तो ये था सूरत फोर्ट, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो ये था वीडियो सूरत किला, सूरत फोर्ट का। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फिश एक्वेरियम में, और वो वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है yogi7890, वहाँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सूरत फिश एक्वेरियम में, तब तक के लिए वही अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें, अपना ध्यान रखें। टिल देन बाय।